टेक्नोलॉजी टेक्निकल से अमरेश जी। तो जैसा कि आप जानते हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी अपडेट रहते हैं रेगुलर मुद्दों को लेकर, तो वहीं आज हम उनसे जानेंगे आसिफा केस के बारे में कुछ बातें, तो कुछ बताएं। मैं बताऊं आपको, अभी रिसेंटली मैं अभी कलकत्ता जा रहा था और मुझे एयरपोर्ट पर ये न्यूज़ मिली। तो अभी क्या हो गया एक्चुअल में, जब इंडिया में आप जाएंगे तो आजकल ये रेप से रिलेटेड केसेस ना बहुत आपको जब भी आप न्यूज़ में अपडेट करेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। अभी 3 साल की बच्ची के साथ हो गया, 4 साल की बच्ची के साथ हो गया, या फिर ये चीज़ें बात की बात है, पहले रेप सुनते हैं तो आजकल क्या हो गया, कॉमन हो गया, चल यार देश में क्या चल रहा है, ऐसी बिहेव हम देते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं, पता नहीं देश क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन जब आप ऐसे मैसेजेस पढ़ते हैं या फिर ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं कि एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, उत्तर प्रदेश में एक 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, आप समझ रहे हैं मतलब क्या क्या चल रहा है। 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, जिसके मतलब कहते हैं ना कि हम आज से कुछ दिनों पहले मैंने ये कहा था एक वीडियो में कि मुद्दतों बाद सफ़र का एक जायजा लिया तो पता चला कि माँ बाप तो इस भ्रम में रहते हैं कि बेटियाँ सिर्फ 10 बजे के बाद अनसेफ हैं। तो पता चला यार बेटियां तो हमेशा अनसेफ रहती हैं। अब ये बताइए कि 2 साल की बच्ची को पता रहता है कि मुझे कहाँ जाना है, 4 साल की बच्ची को पता रहता है मुझे कहाँ जाना है, ये सच में मतलब आप इस चीज़ को आप कौन किससे से जोड़ रहा है। मैं इसी से नहीं कहूँगा, यूथ को बहुत आगे आना पड़ेगा। हमेशा मैं देखता हूँ लोग एक दूसरे पे उछाल देते हैं भाई, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक ने मतलब मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन एक दूसरे पे लोग उंगलियाँ उठा देते हैं, और इसमें बच कौन लोग जाते हैं, वो लोग जो ये चीज़ करते हैं, ये गुनाह करते हैं और वो बच जाते हैं, और साथ में धर्म जात पात ये सारी चीज़ें बीच में आती हैं और वो लोग साइड हट जाते हैं और लड़ने को लगते हैं हम और आप। इस चीज़ में किस चीज़ में लड़ने लगते हैं, मतलब लड़की का रेप हुआ वो साइड हो गया, सिर्फ हम लोग जात पात के नाम पे लड़ने लगते हैं, मुद्दा वो रहा लड़ाई जात पात के नाम पे हो रही है। तो मैं सिर्फ लोगों को यही कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी कई बार लोग इस आसिफा के केस के बारे में बोला हुआ है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार रेप तो रेप होता है, इसकी कोई ना तो जात है और ना कोई धर्म है, ये कोई पूछ के थोड़ी क्या है कि वो बंदा क्या चीज़ का है। रेप करने वाला आतंकवादी ही है मेरी नज़रों में, और बाकी वो हिंदू है मुस्लिम है मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, रेप करने वाला सिर्फ रेपिस्ट है। और इस चीज़ को कड़ी निंदा क्या, इस पर एक्शन लेना चाहिए, फांसी की सजा देनी चाहिए उन लोगों को, ये है मेरी राय इन चीज़ों पर। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा आपकी इस बात में, जितने भी यूथ हैं, यूथ को बड़ा ही वो एक पता क्या होता है, पहले ना पूर्वज कहते थे कि बेटा जब तुम ही ना कर पाए तो तुम दूसरों का क्या सिखाओगे। मेरा ऐसा मानना है कि चलिए ठीक है हम जो भी गलत है बट अब तो हम सही हैं, हमारी समझ है, जब हम बड़े हुए तो हमारी एक सोच बड़ी कि यार पॉलिटिकल से आगे उठना है। मैं देखता हूँ आजकल का यूथ जो है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं समझता, वो ऑपोजिट टीम का एक लीडर समझता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। तो यूथ को हमेशा इन चीज़ों से आगे उठना पड़ेगा हर मुद्दे पर। देखिए रेप का मुद्दा सिर्फ रेप की चीज़ों पर नहीं होगा, इसके अपार्ट फ्रॉम जितनी भी चीज़ें हैं, यूथ को समझाना, उसको अवेयर करना क्या सही और क्या गलत, ये सारी चीज़ें बताएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन सब चीज़ों पे भी जाके इम्पैक्ट डालेगा। तो आई एम श्योर यूथ को बहुत समझना पड़ेगा इन चीज़ों से, उनको एक लेवल आगे उठना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है बेसिकली। थैंक यू सो मच अमरीश जी हमसे जुड़ने के लिए, और इस तरह का आसिफा के केस अगर होते जा रहे हैं तो आप भी आवाज़ उठाएं, आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच।